महाराष्ट्र में सरकार को लेकर घिंचातानी में बीजेपी ने बाजी मार ली है। एनसीपी गढ़ नेता अजीत पवार के साथ मिलकर बनाई सरकार। आज सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया, तो वहीं अजीत दादा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसे एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र में राजनीति में भूचाल आ गया है। पर कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये नज़ारा है नालासोपारा विधानसभा का, जहां बीजेपी नेता राजन नाइक ने जुलूस निकालकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर साथ पटाखे फोड़कर बैंड बाजे से अपनी खुशी को जाहिर किया। नमस्कार, मैं दीपक कोटेकर ओके न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव संपन्न होकर आज एक महीना हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा था, दोनों का साथ में अलायंस था। पर जब चुनाव के नतीजे आए तब शिवसेना बीजेपी को छोड़कर तीसरे पार्टी के साथ जाने की कोशिश कर रही थी। आज तक हम सभी यही सोचते थे, आज तक क्या कल तक हम सभी ने यही सोचा था कि सुबह उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अचानक सुबह 7 बजे सीएम देवेंद्र फडणवीस इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उप मुख्यमंत्री पद अजीत दादा पवार इन्होंने लिया। और आज हम नालासोपारा क्षेत्र में है और आज हम बातचीत करेंगे राजन जी नाइक इनसे। नाइक साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? आज का जो हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, उसके लिए हम लोग बहुत खुश है। ये जो निर्णय लिया है, ये महाराष्ट्र का जनता का जनाधार है। जनाधार जो उन्होंने मिला था, जनता ने जो वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उसी के तहत ये सरकार बनी है। हमको इसके बहुत खुशी है। और अब महाराष्ट्र का विकास गत 5 साल में देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो अच्छा हुआ, उससे भी अच्छा डबल ताकत से आज ये विकास अभी आज से चालू हो जाएगा। पर सर, सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ऐसी बात चली थी कि उद्धव ठाकरे ये मुख्यमंत्री बनने वाले, अचानक ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ग्रहण की और उनके साथ अजीत दादा पवार ने शपथ ग्रहण की? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक साथी आपको मिला और आपसे एक साथी बिछड़ गया? एक साथी मिला, एक साथी बिछड़ गया नहीं। जो निर्णय लिया है आदरणीय देवेंद्र जी ने और उद्धव जो उप मुख्यमंत्री है आज के महाराष्ट्र के पवार साहब ने, वो महाराष्ट्र के हित के लिए लिया। गत एक महीने से महाराष्ट्र में जो सत्ता स्थापन करके लिए शिवसेना अलायंस में होकर भी भारतीय जनता पार्टी से दूर भाग रही थी और तीन पार्टी की जो सरकार बनने जा रही थी, उससे महाराष्ट्र का बिल्कुल भला नहीं होता था, एक दूसरे को खिंचतानी हो जाती थी। इसलिए पवार जी ने जो निर्णय लिया और देवेंद्र जी निर्णय लिया, वो महाराष्ट्र के हित के लिया और अब अच्छी स्थिर सरकार महाराष्ट्र के में निश्चित रूप से आएगी। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, किसके वजह से ये अलायंस हुआ है? अलायंस नहीं मतलब एनसीपी को आपने सीधा टारगेट किया, आपके पार्टी ने सीधा टारगेट किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका श्रेय महाराष्ट्र की जनता को जाता है। जनता के में दबाव में आके इन्होंने उनको निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ा। इन्होंने पवार साहब ने और देवेंद्र जी निर्णय लिया और एक अच्छा निर्णय महाराष्ट्र के हित के लिया। सभी महाराष्ट्र की जनता बहुत खुश है, हम नालासोपारा वासी इसके लिए बहुत खुश है। इसलिए ऐसे जल्लोष का आयोजन किया, इसमें कार्यकर्ता और भी सामान्य नागरिक भी है। बहुत से नागरिक ने हमारे कार्यालय में आए कि हमको बधाई दी कि जो निर्णय देवेंद्र जी ने लिया बहुत अच्छा महाराष्ट्र के हित के लिए लिया। शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है? वो हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो बड़े लोगों का है, बड़े नेता का है, हम छोटे कार्यकर्ता है। हम जो निर्णय लिया है, हम लोग निर्णय से खुश है और इसके लिए हम लोग जल्लोष मना रहे हैं। आने वाले समय में पालघर जिले में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला, उसमें आपकी बीजेपी की रणनीति क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत पे लड़ेगी और यहाँ अच्छा यश संपादन निश्चित रूप से करेंगी। आज के दिन के लिए आपको कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई, हमें बहुत खुशी हो गई। ये निर्णय महाराष्ट्र के हित के लिए था, इसके लिए हमें बहुत खुशी हो गई। धन्यवाद। तो हमने राजन जी नाइक का बयान सुना और देख सकते हैं कि कितने जोरों शोरों से जल्लोष हो रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। देश के खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ओके न्यूज़ चैनल। कैमरामैन आदित्य के साथ दीपक कोटेकर, ओके न्यूज़।